मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है मम्मा, इतना अच्छा बना देते हो, ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। ये बन रही है मॉर्निंग टी। ये हमारी चाय हो गई है रेडी। मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग बोल दो, छो ना आज। ये आप उतर जाएगा अभी फ्रेश होने। अच्छे लग रहे थे बाल बिट्टू। ये है किकी की मॉर्निंग रूटीन है ना बेटा। सबसे पहले उठ के फ्रेश होके मिरर के पास सुंदर बनना, एकदम सुंदर बन जाता है। अब तो रेडी हो गया, अब दिखाओ। वैसे आप वो हाफ टाइम में अच्छे लग रहे थे। अब एक्टिव हो गया। अब बताओ आज हम कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे गुलपांगड़े जो इस व्लॉग में जाएगा, और उसके लिए मुझे डिमांड आई थी कल, है ना। उसको एडवांस में डिमांड करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है ना बनने में। कल आफ्टरनून में भी गई थी ना दर। हाँ नहीं, कल इवनिंग आफ्टरनून जब घूमने से आए थे उसके बाद टाइम लगा था ना, इवनिंग में आए थे। अच्छा चलो मिलते हैं। मम्मा मम्मा गुलपांगड़े बना दो ना। बस लास्ट स्लॉट मिल गया आपके। ठीक है, लेट्स सी द मूवी। अब गुलपांगड़े बन रहे हैं मेरे। सबसे पहले हम पीनट्स को, मूंगफली को रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। हमें इतनी रोस्ट करनी है, इससे ज़्यादा ऐसे डार्क ब्लैक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जल जाएंगे ना, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अभी से मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ ताकि हम इसके छिलके उतार। हमने ये इस वाले बाउल में शिफ्ट कर लिया। ये देखो, ये सारी मूंगफली के इस तरह से हमें छिलके हटा देने। पीनट्स किसको खानी है? मेरे को खानी है मम्मा, मेरे को खानी है। इधर से आ जाओ। आ जाओ इधर आके बैठो। फिर बुगे पीनट्स खाओगे? उसको लग रहा है आपके हैंड में भी है। है? अच्छा है आपके पास। हेलो हेलो, पाला हैं देता है गोलू का। गुड बॉय। इसको पीनट्स बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे बच्चे को। टॉइंग। वो बहुत नींद में है वैसे। उठो, उठो, गो कैच।
ओए 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 कैसे उठा? पीनट्स के लिए तो उठ ही जाता है वो। ये गलती से वो तो नहीं है पैरेट। बट साइडवेज दिखे। ऐसी लेना से। मेरे को रुक जाओ, वेट मैं उधर से आती हूँ। नो 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 मैं देख रही हूँ डोरेमोन। ये चटनी जो अभी तड़का नहीं लगा, सबसे पहले हम इसमें तड़का लगाएंगे और बाद में तुम पांगड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए मैं थोड़ा सा ये मिक्सचर रेडी करके रख लेती हूँ। अभी इसमें कुछ चीज़ें डालनी है। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं ये जो हमने दाल पीसी हुई है इसमें थोड़ा हम धनिया पत्ती डालेंगे। ये हमने धनिया डाल लिया है। अभी ये बहुत ठीक है, थोड़ा सा इसमें और पानी जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों के दाने डालेंगे। अगर आपके पास राई भी हो तब भी आप राई डालें, सरसों भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों हो तो थोड़ा कम सरसों डालना। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अब हम डालेंगे पानी, एकदम नन्ना सा डालना। इसे अच्छे से मिक्स कर दो। देखो कितना सुंदर और यम्मी लग रहा है। ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। मैं कहता अभी ऐसे चाट जाऊं पूरा। इसको अच्छे से फ्लफी बनाना, जैसे हम वड़े का बैटर बनाते हैं उसको अच्छे से फ्लफी होने देते हैं। मजा आ रहा है कुक करने में। बहुत ज्यादा। चटनी भी बनने वाली है। चटनी को बस तड़का लगाना होता है। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए बैटर और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा, ये एकदम हमारा सही बना है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये बनने नहीं डालना? के लिए नहीं, ये चटनी के लिए। अच्छा, अब हम एक लेंगे ग्लास। ग्लास में और इसमें थोड़ा सा बैटर लेकर डालना है। अगर वो बैटर अंदर गिर गया तो आपका बैटर मतलब अच्छा नहीं बना है, और अगर स्विम करेगा तो अच्छा बना है आपका बैटर। और अगर डूब जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, फिर से हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हम चेक करेंगे हमारा बैटर सेट हुआ है या नहीं। देखो ये ऊपर आ गया, हमारा स्विम कर रहा है इसलिए हमारा बैटर एकदम सही बना है। अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी रेडी है, देखो बस अभी तड़का लगाना है। इसको आप अपने जैसे भी आपको पसंद हो उतना ज़्यादा पतला कर सकते हैं, हमें थोड़ा थिक पसंद है इसलिए ऐसे रखिए। अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। हमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालनी है।
सूखी हुई लाल मिर्च। हमें 2 to 4 तक मिर्ची डालनी है। आपको तो सब पता है। थोड़ा सा सरसों के दाने, इतनी हमने सरसों ली है जो हम तड़के में डालेंगे। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मर्जी आपकी, जितनी आपको ठीक लगे। अगर आपने ज्यादा डाल दी तो भी अच्छा बनेगा, लेकिन हमें थोड़ी कम सरसों पसंद है इसलिए हम कम डालेंगे। अभी तक वही गर्म हो गया है, इसमें हम ये डाल देंगे। थोड़ा दूर हो जाइए, उड़ता है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे चटनी पे बहुत अच्छा कलर आएगा। बहुत उड़ता है। और ये फट से 1 मिनट में बंद भी कर देना है क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हमारा गर्म था। पे ऐसे स्प्रेड कर देना है। अब देखिए हमारी चटनी रेडी है। इसमें हम सॉल्ट चेक करके फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट डालेंगे जितने की आपको जरूरत हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ये देखिए, ये रेड चिली जो हमने लाल मिर्च डाली थी तड़के में, उसका ये कलर ऑयल आता है ना, तो कलर बड़ा सुंदर लगता है ऊपर। अब सॉल्ट हमने डाल दिया है, अब ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। दो मम्मा थोड़ा सा मैं मिक्स करूं। मिक्स कर लो। ये बहुत अच्छी लग रही है, देख गुलपांगड़े बनाने पे। इसका बैटर ठीक है, अब हम बनाएंगे गुलपांगड़े। मुझे बहुत भूख लग गई है। अब ये है हमारा अप्पा पैन, अब हम इसे ऑन करेंगे और हमें सब में थोड़ा थोड़ा घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं डाल देने हैं सारे गोलों में, और फिर सब में हमें डालने हैं ये मिक्सचर, और फिर हमारे गुलपांगड़े रेडी। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। ऑयल बहुत कम ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया ताकि पूरा जो ये सर्कल है वो पूरा ऑयल लग जाए। कितना शाइनी लग रहे हैं सारे गोले। अब हम मिक्सचर डालेंगे। यस, मिक्सचर इतना थोड़ा थोड़ा, इसको हम ढक देंगे ऊपर से गैस थोड़ा सा कम करके। अब हम इन्हें पलटेंगे। हमने एक पलट दिया है, सारे पलट के मिलते हैं। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है मम्मा, इतना अच्छा बना देते हो, ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। ऊपर करो, दिखाओ, ऐसा लग रहा है। अब हमने इसे टर्न कर दिया है, अब हम इसे दोबारा ढक के सेकंड उल्टी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। बन चुके हैं। नहीं बच्चा देखो ना, नीचे से बोला था ना भी नहीं बने। फर्स्ट लॉट रेडी। ये फर्स्ट लॉट जा रहा है मेरे बेटू के लिए। वेट ओवर। हॉट है, ध्यान से कैसा है? टीवी तो बंद करो। कैसा बना? सुपर टेस्टी। सुपर टेस्टी। आप चटनी नहीं खा रहे हो साथ में? ये थोड़ा चटनी अवॉइड करती है, चटनी के बिना ही पसंद है इसको, है ना मिठू? चलो अब खाओ अच्छे से। यस, लो और ले लो। आप चटनी के साथ क्यों नहीं खाते बेटा? मुझे चटनी इतनी पसंद नहीं है, चटनी मम्मा पापा के लिए, मैं ऐसे ठीक लगता है मुझे। ऐसी पसंद है, मजा आ रहा है। और ये क्या हाल कर दिया उसका? फिर मैं पापा का पॉपकॉर्न खाता हूँ। वो क्रिस्पी होता है इसलिए।
क्रंची क्रंची। पहले तो मैं ये छोड़ देती थी, ऊपर ऊपर का ही खाती थी। जब आप छोटे थे? अब तो ये भी खाती हूं। जब आप छोटे बच्चे थे तब भी इसको छोड़ देते थे। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। मैं कुछ कुछ अलग अलग अमेजिंग वीडियोस भी डालते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। बाय।